लेकिन साथ में अल्लाह ने फरमाया इल्लल मुत्तकीन, वो जो मुत्तकीन अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के जिक्र का दर्स देने वाले, अल्लाह की मोहब्बत के सौदागर, जो अल्लाह की मोहब्बत का सौदा बेचते हैं, ये जो अल्लाह की मोहब्बत के सौदे बेचने वाले हैं, इनकी मोहब्बत कल कयामत के दिन दुश्मनियों में तब्दील, बल्कि जिस तरह दुनिया में ये आपको उस गंद और गिलाजत से निकालकर अल्लाह की मोहब्बत के जाम पिलाते थे, इसी तरह कल कयामत के दिन हाथ से पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाएंगे। ये काम आने वाली यारियां हैं, ये काम आने वाली दोस्तियां हैं। मैं गौर कर रहा था, सोच रहा था कि हुजूर क़िबला आलम का नाम बद्र आलम जान है। कभी आपने इस नाम पर गौर किया है? एक होता है कमर, कमर कहते हैं चांद को, मुतलक चांद होना उसको कहते हैं कमर, चांद है। पहली तारीख के चांद को कहा जाता है हिलाल। क्या कहा जाता है? हिलाल। और चौदहवीं के चांद को कहा जाता है बदर, और चौदहवीं का चांद करता क्या है? वो आलम को रोशन और मुनव्वर कर देता है। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर क़िबला आलम हजरत अबुल खैर बाबा अब्दुल्ला जान नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब हुजूर बद्र आलम जान का ये नाम रखा होगा, तो जरा तसव्वुर करें कि उनकी निगाह क्या थी। उनकी नजर क्या थी? बद्र आलम, आलम का चांद, और चांद भी चांद नहीं, चौदहवीं का चांद। अगर चौदहवीं से पहले हो तो हिलाल के दर्जे में, चौदहवीं के बाद हो तो कमर के दर्जे में। वो जो चौदहवीं का चांद है उसे बदर कहते हैं। बदर का मतलब चौदहवीं का चांद। गोया उन्होंने पहले ही वो नजारा देख लिया था कि नाम भी रखा तो क्या, बद्र आलम और फिर आलम जान, इसको जाने आलम कर दें। आलम की जान, चौदहवीं का चांद, ये उनकी नजर थी जो वो देख रहे थे। और आज शर्क गर्ब सारी दुनिया में आप जाके देखें, वो फैजान और वो सीने की तपश, वो हरारत और वो आग अल्लाह के इश्क मस्ती और मोहब्बत की जो हजरत अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह के सीने में जल रही थी, हजरत पीर बद्र आलम जान के जरिए से इन्होंने उसे चार चांद लगा दिए हैं। आप जो यहां पर बैठे हैं, आपसे बड़ा क्राउड कराची में हमने देखा, यहां से ज्यादा संगी, ज्यादा लोग देखे। और जहां प्रोग्राम होता, अल्लाह की मखलूक कहां कहां से आ जाती, और वो सारे जब आते हैं तो अज इब्तिदा ता इंतहा फकत उनकी जबान पर एक ही जिक्र होता है, अल्लाह हो।